हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का आई टी एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की हमारी क्लास होने वाली है वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस की होने वाली है आई टी आई फर्स्ट ईयर वालों के लिए। इससे पहले मैं कई क्लास ऑलरेडी करवा चुका हूँ, अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखा तो प्लीज़ वो क्लास देख लेना, क्योंकि हर क्लास से आपका क्वेश्चन फंसने वाला है, मैं बार बार बोलते रहता हूँ। ठीक, एग्ज़ाम आपके नज़दीक है, जुलाई लास्ट में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो तैयारी कर लीजिए। और अब की बार जो है, अब की बार डी जी टी स्वयं एग्ज़ाम नहीं कराने वाले, एक एजेंसी के थ्रू जो है एक अब की बार एग्ज़ाम होने वाला है। तो सोच सकते हो अब की बार थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि पिछली बार क्या होता है चीटिंग वगैरह का सिस्टम चल चुका था, लेकिन अब की बार थोड़ा सोच समझ के चलना, तैयारी अपनी ठीक ठाक रखना। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 4 किलो और 800 ग्राम में अनुपात पूछा है आपको। क्वेश्चन दिया गया है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन दिख रखा है आपको, देखिए दे रखा है आपको 4 केजी और भैया रेशो दे रखा है आपको 800 ग्राम। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। अब आपको करना क्या है, इसमें रेशो अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बता रखा है कि अनुपात में दोनों जो संख्याएं होती है बराबर होनी चाहिए। ये किस में है, 4 किलोग्राम, ये किस में है, ग्राम में। अब चाहे तो आप इसे ग्राम बना लीजिए या फिर इसको किलोग्राम बना लीजिए। इसको किलोग्राम बनाना थोड़ा सा भारी रहेगा, इसको ग्राम बनाना हल्का रहेगा, तो उसको ही हम ग्राम बना लेते हैं, क्योंकि हमें बराबर संख्या, मतलब संख्या हमें मतलब नहीं है, इसके जो मात्रक होता है ना, मात्रक से मतलब होता है अनुपात में। ठीक है, जो ये मात्रक होता है ना, ये किस में, किलोग्राम में, और ये किस में आ रहा है, ग्राम में। तो हमें जब इधर ग्राम है तो इधर भी हमें ग्राम ही बनाना पड़ेगा। तो ग्राम कैसे बनाएंगे, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलो में ग्राम होते हैं 1000, सबको पता है। जब 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं तो 4 किलो में कितने होंगे, तो 4 किलो में होंगे भैया 4000 ग्राम। सही है भाई, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। जब 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं तो 4 किलो में कितने होंगे, 4000 ग्राम। ये तो आपको समझ में आ चुका है। चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं क्या 4000 ग्राम और रेशो, और ये 800 ग्राम। क्लियर है आपको, 4000 ग्राम और 800 ग्राम। ठीक, अभी मैं इस ग्राम को हटा रहा हूँ, क्योंकि संख्या तो बराबर हो चुकी है, हमें अनुपात में निकालना है, क्योंकि अब आप कंफ्यूज ना हो, आप क्लियर दिखे। तो देखो अनुपात में है, ये जो बिंदी लग रही है अनुपात का साइन होता है। ठीक है, अब इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, बचा के आपके पास 40:8, ये बच चुका है रेशो। अब आप ऑप्शन में देख सकते हो, ऑप्शन अगर आपको दे रखे हैं, अगर 40:8 इसमें ऑप्शन में है तो वही आपका आंसर है, अन्यथा आपको क्या काम करना है, 8 से काटिए, इसको काट सकते हैं आप लोग, चाहे तो आप 2 से काट लीजिए शुरू में, 2 चौके 8 और ये 20 बार में, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 5:1 आपका आंसर आ गया, अन्यथा आप डायरेक्ट भी काट सकते, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, ऐसे भी आप लोग इसको काट सकते। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया 5:1, इसमें जो है आंसर आपको ऑप्शन दे रखा होगा, वही आपका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ भी ना समझ में आए तो आप मुझे जो है कमेंट कर देना भैया। ठीक है, कमेंट कर सकते हो सकता है मैं यहाँ रिप्लाई ना दूँ तो। और एक बात और, मैं आई टी आई एग्ज़ाम वाई टी के नाम से मैंने वेबसाइट आप लोगों को बताई भी थी, ठीक, वहाँ पर विज़िट कीजिए। आने वाले दिनों में आपको क्या काम करना है, वेबसाइट पर जाना है, तो वेबसाइट क्या नाम है, आई टी आई एग्ज़ाम YT.net, इसके नाम से वेबसाइट है। ठीक है हमारी, तो यहाँ पर आपको गूगल में क्रोम में ओपन कर लेना है इसको, ठीक है, सर्च करके, और वहाँ पर जब आप इसको ओपन करोगे तो आपको वहाँ पर भी सब्सक्राइब का ऑप्शन आ जाएगा, सब्सक्राइब फिर एलो का ऑप्शन आ जाएगा, और बगल में घंटी भी आपको दिख रही होगी, तो उसको वहाँ पर दबा देना। उससे क्या होगा, देखिए आने वाले दिनों में वहाँ पर जो है PDF वगैरह जितने भी आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं, प्रीवियर एग्ज़ाम, और जो अब की बार जो मैं एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, मतलब जो आपके अभी आने वाले दिनों में PDF बनेंगी, वो सभी आपको वहीं पर मिलने लगेगी, और जितने भी DGT के नोटिस वगैरह होते हैं डाउनलोड करने होते हैं, वो भी आपको वहीं से देखने को मिल जाएंगे। और कुछ दिनों के बाद एक ऐसे कोर्सेस को जो है वहाँ पर दिया जाएगा जो ITA के लिए बेनिफिट होगा, ठीक है, यानी कि बुकें एक किस्म से वहाँ पर दी जाएंगी, तो
कोई चार्ज वगैरह कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ फ्री होगा सब कुछ, ठीक है, कोई दिक्कत ही बारे टेंशन मिलता कभी चार्ज सोच रहे हो, कोई चार्ज वगैरह कुछ नहीं देना पड़ेगा, सब फ्री होगा, ठीक है। तो वेबसाइट से आप जुड़ जाइए जाकर अभी, ठीक है, चलिए अभी ना मतलब क्लास देखने के बाद, ठीक, ITI exam.IT.NET के नाम से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है भैया, 80 का 20% क्या है? क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्या दिया, क्या गया है क्वेश्चन, 80 का 20%। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया यार कितने कितने आसान क्वेश्चन करवा रहे हो यार, है ना, बट मैं क्या करूँ जब यही क्वेश्चन आ रहे हैं अब एग्जाम में। अब मैं अपनी तरफ से तो नहीं बना रहा हूँ, ये सब निमी का पैटर्न है और निमी ने ये क्वेश्चन दे रखे हैं और यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं, ठीक। तो मेरा इसमें अपना कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अभी फ़िलहाल निमी के क्वेश्चन करवा रहा हूँ और यही आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, आ रहे हैं। 80 का 20% कितना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है। तो 80 का मान, मतलब मैंने आप लोगों को बता रखा है का मतलब क्या होता है, गुना, ऑफ या का मतलब बोर्ड मास के अनुसार भाई, ये बोर्ड मास है। बी से क्या होता है, ब्रैकेट, छोटा बड़ा मजला कोई भी ब्रैकेट हो सकता है। ओ से क्या होता है, ऑफ। डी से क्या होता है, डिवाइड, भाग यानी कि। एम से क्या होता है, मल्टीप्लाई। ए से क्या होता है, एडिशन। एस से क्या होता है, सब्ट्रैक्शन यानी कि घटा, ठीक। सबसे पहले अगर आपको किसी भी सीरीज में ब्रैकेट दिख रहा है तो आपको ब्रैकेट सोल्व करना है पहले नंबर पे, ठीक है। दूसरे नंबर के अगर आपको का या फिर ओप दिख रहा है तो वो सोल्व करना है, ठीक है। कोई भी सीरीज, ये क्वेश्चन सोल्व करने का है, इस तरीका एक किस्म का ट्रिक है ना, मान सकते हो, ठीक। तीसरे नंबर पर आपको किसी भी अगर सीरीज में भाग दे रखी है उसके बाद वो सोल्व करनी है। फोर्थ नंबर पर गुना दे रखे तो वो सोल्व करनी है। पाँचवें नंबर पर फिर होगा जोड़, और लास्ट में जो है छठे नंबर पे आएगा आपका घटा। लास्ट में, सबसे लास्ट में घटाना है बस, अगर घटा दे रखी है तो। पूछिएगा 80 का कितना% 20% है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा उन्होंने घुमा रखा है, तो थोड़े से मिस्टेक हो सकते हैं क्वेश्चन में, तो ध्यान रखना, ठीक है। अगर वहाँ पर आपको स्क्रीन पर कुछ दिक्कत लग रही है तो उसको सही कर देना। क्वेश्चन में होना क्या चाहिए था, 80 का कितना% 20% है, ये क्वेश्चन में होना चाहिए था। अगर आप लोग पिछले हिसाब से सोल्व करोगे, जो मैंने अभी लिख रखा था यहाँ पर, अगर उस हिसाब से सोल्व करोगे तो उसका आंसर समथिंग 16 के समथिंग आएगा, लेकिन ये सही नहीं होगा, ठीक है। फिर आप लोग ऑप्शन ढूंढते फिरोगे, लेकिन इसमें जो है निमी ने थोड़ा सा मिस्टेक करके, लेकिन नहीं, वहाँ पर आपको सही दिख जाएगा, ठीक है। वहाँ जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे वहाँ पर क्वेश्चन सही मिलेंगे। तो 80 का मतलब मैंने बता दिया, गुना कितना प्रतिशत, कितना आपको क्या लेना है, कोई भी ले सकते हो, कितना, अपना नाम लिख सकते हो यहाँ पर कुछ भी, है ना। मैंने लिख लिया x, x प्रतिशत कितना बता रखा है, 20 है भाई। मैं तो क्वेश्चन के हिसाब से चल रहा हूँ, क्वेश्चन सीरीज ही पढ़ रहा हूँ। कोई भी, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ ली ना, तो क्वेश्चन आपके सोल्व में कोई दिक्कत नहीं है। 80 का कितना प्रतिशत, तो मैंने सोचा कि 80 का मतलब गुना आ गया है यहाँ पर, कितना प्रतिशत, मतलब कितना का मैंने क्या लिया x, मुझे क्या, तो भाई कितना है, मैंने सोच लिया भाई x परसेंट होगा। निकालना कितना है, दिया कितना रखा है इसमें, 20 है भाई, 80 का कितना% 20 है, तो वही प्रतिशत की मात्रा जो है हमें निकालनी है। तो 80 गुना x का प्रतिशत का मैंने मतलब क्या बताया आपको, प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100, भाई प्रतिशत का मतलब यही तो होता है, बटे में 100। तो x बटे 100 बराबर 20, यही तो होता है। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, और भैया आप लोग क्या काम कर सकते हो, 2 5 10 और 2 6 8, ठीक है, ये आपका हो चुका है 5 2 10, तो 4 गुना x, ये गुना आ रहा है ना, देखिए 4 तो आपका चुका तो आ चुका है यहाँ पर, ये आपका x यहाँ पर आ चुका है, और इस 5 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, भाई 5 भी तो बच रहा है मेरे पास, जब मैंने 2 से काटा तो 5 की मल्टीप्लाई 5 2 10 100 इधर आ जाएगा आपका, ठीक है, 100 आपका इधर आ चुका है। अब ये 4 इधर गुना में इधर आ किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो इससे कट जाएगा 25 बार में, तो 25% आप लोगों का राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। 25 दे रखा है क्या ऑप्शन में, देखना 25 है या नहीं है। अगर आपको परसेंटेज में दे रखा है तो 25 आएगा, अगर ऑप्शन में आपको परसेंटेज नहीं दे रखा है तो कैसे निकालना है आपको,
देखिए ऑप्शन में आपको मुझे लग रहा है परसेंटेज में नहीं दे रखा होगा है ना, लेकिन हमारे पास किस में निकला है, परसेंटेज में। तो इसको हमें परसेंटेज हटानी पड़ेगी। जब आप यहाँ से परसेंटेज हटाओगे, ये वाली परसेंटेज आप लोग जब हटाओगे तो बटे में क्या आएगा, जब आप लोग इस परसेंटेज को हटा दोगे बटे में कितना जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, 2.20 छोड़ के आपको पॉइंट लगाना है, तो यानी कि 0.25 आपका आंसर आ जाएगा इसमें, देख लेना उसमें ऑप्शन में। ठीक है, प्रतिशत हटाया मैंने और कुछ नहीं किया। ठीक है भाई, प्रतिशत का मान तो मेरे पास आया था ही। ठीक है, चलिए कोई भी अगर डाउट हो ना समझ में आए तो मुझे लास्ट में कमेंट कर सकते हो कि मुझे वहाँ दिक्कत है। अगला क्वेश्चन, 40 करोड़ ग्राम का 8% कितना है। क्वेश्चन में बोल रखा है क्या 40 किलोग्राम का 8% कितना है, का 8% कितना है, क्वेश्चन में यही रखा होगा। ठीक, तो कीजिए सॉल्व, क्या लिख रखा है इसमें। 40 तो मेरे पास ये हो चुका है, का मतलब गुना आ जाएगा, 8 अब ऊपर आ जाएगा, बटे में कितना जाएगा, 100 आ जाएगा। कितना प्रतिशत है, तो मैंने कहा भाई x प्रतिशत है ना, 40 किलोग्राम का 8% कितना है, इसने पूछा है, मैंने बता दिया भाई x है। ठीक है, मुझे नहीं पता कितना है, तो इस आप लोग काट दीजिए, इस जीरो से जीरो काट दीजिए, और आप इससे काट सकते हो, ये आपका 2 × 4 और 2 × 5 = 10, 8 × 2 = 16 हो जाएगा ये, तो 16/5 यानी कि आपका हो जाएगा 5 × 3 = 15.2, 5 × 2 = 10। ठीक है, तो 3.2 के समथिंग आपका राइट आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, तो बेसिक क्वेश्चन है ये, तो बच्चों वाला है, सॉल्व कर दिया, 3.2 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ये भी है बहुत आसान क्वेश्चन आ गया यार, बहुत आसान आसान क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, वही है 52% को भिन्न में बदलिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन ऐसे आ भी चुके हैं, तो 52% को भिन्न में बदलने के लिए क्या काम करोगे, ये प्रतिशत हटा दो बस। प्रतिशत जब हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 आ गया। किससे काटोगे, भिन्न बनानी है छोटी से छोटी, तो काट लीजिए 4 से काट लीजिए, 13 चौका कितने होते हैं, 52 होते हैं, और 25 चौका कितने होते हैं, 100 होते हैं, तो 13/25 आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा ये। ठीक है, काट सकते हो, ये मैंने 13 बार में काट दिया, ये मैंने 25 बार में काट दिया, किससे काटा है मैंने, ये 4 से काटा है भाई, 13 चौके 52 होते हैं, 25 चौके 100 होते हैं, तो सब कुछ जाहिर सी बात है सबको पता होगा, तो बेसिक पॉइंट ध्यान रखना है बस। चलिए ऑप्शन देख लेना भाई, अगर ऑप्शन यही है ना, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है मेरे पास, देख लेना एक बार, अगर कुछ भी मिस्टेक लगे तो मुझे लास्ट में कमेंट कर दें, वैसे तो मैं वीडियो एडिट करूँगा ही, बाद में चेक करूँगा। चलिए, अब आपको दे रखा है 0.46 किलो किलोग्राम को प्रतिशत में बदलें, 0.456 को किस में बदलना है, हमें प्रतिशत में बदलना है भैया, है ना, ये तो क्वेश्चन लिख रखा है आपको, तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो मैंने आप लोगों को क्या बता रखा है कि प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना होती है कि भाग होती है। चलो सबसे पहले तो मैं इसकी आपको पॉइंट दिख रहा होगा, थोड़ा झंझट लग रहा होगा, मैं ये पॉइंट हटाता हूँ, नीचे क्या आ जाएगा, 1, 2, 3, 3 अक्षर हैं तो 3 ही 0 आ जाएंगी, और 1 तो फ्री में रहता ही रहता है, ये तो सबको पता है। अब ये हमारा मुद्दा यहाँ से ख़त्म हो चुका है। ठीक, 456/1000 इसका हमें प्रतिशत निकालना है। अब मुझे बताइए कि प्रतिशत निकालने के लिए हमें 100 से भाग देनी होती है कि 100 से गुना करनी होती है। तो आप लोग बोलोगे कि सर अगर हमें प्रतिशत निकालना है तो हमें 100 से भाग देनी गुना करनी होगी। ठीक है, क्या करनी होगी, गुना करनी होगी। ठीक, तो जब मैं गुना करूँगा इस 100 इस 0 से ये 0 इस 0 से ये 0 ये कट हो चुकी है। अब मेरे पास क्या बचा, 456/10 भाई, 10 ही तो मेरे पास बच रहा है, ये 10 है। पॉइंट कहाँ लगाऊँ, पॉइंट आप लोग बोलोगे ये भैया एक एक नंबर छोड़ के लगाइए, एक नंबर छोड़ के इधर से या इधर से, तो आप लोग बोलोगे कि इधर से छोड़ के एक पॉइंट लगा दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 45.6
प्रतिशत आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस छः स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर, अच्छा ये किस समझ में आ गया ना। चलिए अगला जो सवाल है, एक्स स्क्वायर प्लस छः स्क्वायर बराबर दस का स्क्वायर, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। हालांकि आप उसमें जो आपका स्क्रीन पर लग रहा होगा थोड़ा सा देखने में थोड़ी दिक्कत लग रही होगी, क्योंकि वो मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, उन्होंने ऐसा लिख रखा है एक्स टू इस प्रकार से, है ना, तो इस प्रकार से लिख रखा है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इस प्रकार से है। तो आपको सॉल्व कर लीजिए, तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस छः का स्क्वायर कितना होता है, छत्तीस होता है, बराबर सौ का स्क्वायर कि दस का स्क्वायर कितना होता है, सौ होता है। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पर रह जाएगा, ये 36 यहाँ पर प्लस का है, इधर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 100 माइनस 36 ये आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 100 में 36 जाकर कितने बचते हैं, 100 में 36 जाकर बचते हैं 64, 64 बढ़ गए। ठीक है, अब ये देखो कि ये एक्स स्क्वायर का मान आया है 64, किंतु हमें निकालना किसका है, एक्स का मान। ठीक है भैया, हमें एक्स का मान तो निकालना है, लेकिन हमारे पास तो ये एक्स स्क्वायर का मान आया है। तो अगर मुझे ये स्क्वायर हटाना है तो मैं क्या काम करूँगा, स्क्वायर हटाने के लिए क्या काम करूँ भाई, मैं इधर भी अंडर रूट लगा दूंगा और इधर भी अंडर रूट लगा दूंगा, है ना। तो ये जो स्क्वायर है इस रूट को खा जाएगा और बाहर कितना जाएगा, एक्स आ जाएगा। ये 64 है, अब 64 का जो है आपको मतलब देना है स्क्वायर। ठीक है, वर्ग कितना होता है, तो आप लोग बोलोगे कि 8 जो है आपका यहाँ पर भी बाहर निकल के आ जाएगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64। भाई अगर मैं बात करूँ, मैं इसको अंदर ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, अब अगर आप लोग नहीं समझे होंगे ऐसे, मैं समझ भी गए होंगे, 64 था मेरे पास, 64 आ चुका था, 64 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 8 × 8, है ना, 8 कितने होते हैं 64, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 8 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। अब इस स्क्वायर को ये रूट खा जाएगा और इस स्क्वायर को ये रूट खा जाएगा, बाहर कितना आ जाएगा, एक्स और 8, यही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला जो सवाल है वह देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना अब फंसेगा ही फंसेगा एग्जाम में, ध्यान रखना। देखो स्क्रीन पर लग चुका होगा आपका क्वेश्चन, आपको दे रखा है भैया ए सी बराबर 10 सेंटीमीटर, बी सी बराबर दे रखा है आपको 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और आपको निकालना क्या है भैया, ए बी, है ना, ए बी की वैल्यू आपको निकालनी है, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले भी करवा रखे हैं, जिसने क्लास देखी होगी उसको पता होगा, जिसने नहीं देखी होगी उसको क्या पता होगा, है ना। चलिए तो ये सिस्टम है आपका, ए सी आपका 100 सेंटीमीटर दे रखा है, बी सी 6 सेंटीमीटर, ए बी आपका दे रखा है, निकालना है ए बी। तो ये आपका क्या करना पड़ेगा हमें, इसमें आपको देखिए, आपको या तो क्वेश्चन में ऐसे डायग्राम भी बनाकर देगा वो, ठीक है, तो आपको ऐसे डायग्राम भी बनाकर देगा या फिर आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो देखो कैसे, डायग्राम बना सकते हो, बनाना बस इसमें ऐसा करना है, ठीक है, या तो राइट एंगल बना सकते हो फिर ऐसा बना सकते हो, मर्जी आपकी है। ठीक, चलिए तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर नाम नंबर लिख देता हूँ, और ये सी ए बी सी आपका ये हो चुका है डायग्राम। अब आपको वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर, ठीक है, ए सी का मान कितना दे रखा है, ए सी का है आपका ए और सी के बीच में क्या दे रखा है आपको 10, बी और सी के बीच में क्या दे रखा है आपको 6, निकालना क्या है आपको ए बी ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये निकालने के लिए क्या करोगे आप लोग, सबसे पहले आप समझ भी गए होंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, अच्छा ये क्या है आपका, इधर वाला साइड ये हो गया आपका कर्ण, ये आपका हो गया लंब,
ये आपका क्या हो गया आधार, सबको पता होगा ठीक है आपका, जैसे आपका परपेंडिकुलर हो गया, आपका बेस हो गया, आपका जो है आपका हाइपोटेनस हो गया इंग्लिश में बोलते। चलिए तो ये तो आपका मुद्दा हो चुका है, निकालना क्या आपको आधार निकालना है। तो आधार निकालने के लिए हमेशा पाइथागोरस जैसे अगर पूछ, ये कर्ण भी पूछ सकता है, लंब भी पूछ सकता है, आधार भी पूछ सकता है, मर्जी इसकी होगी क्या पूछे ठीक। लेकिन ये एक फॉर्मूले पर टिका हुआ है सिस्टम, ये किस पर, पाइथागोरस प्रमेय पर। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ी होगी ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, वो होती है भैया आप लोगों को पता होगा कर्ण का स्क्वायर होती है बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ठीक है। यही तो होता है भाई, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ये होता है। अब मैं यहाँ से इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप जो है इसको याद कर लीजिए। अच्छा मैं इसको रफ कर रहा हूँ ठीक, मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ क्योंकि फिर ज़्यादा दिक्कत होगी। अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर कर्ण कितना दे रखा है आपको एसी, तो मैंने अभी बताया कर्ण का स्क्वायर होता है बराबर लंब कितना दे रखा है आपको बीसी होता है ना, इस बराबर इसका स्क्वायर होता है प्लस एबी, ये आपको निकालना है। अभी मैंने बताया ये क्या हो गया आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ठीक है, पूरे बेसिक से बता रहा हूँ समझते रहे ना ठीक। ये क्या होगा आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब मान पुट कर लीजिए, वैल्यू आपके निकल जाएगी। एसी के बाद एसी का मान कितना रखा है, एसी कहाँ पर है, एसी ये रहा, एसी का मान कितना रखा आपको 10 और उसका क्या रखा है स्क्वायर कर रखा है बराबर बीसी कितना रखा आपको 6 और उसका क्या रखा है स्क्वायर कर रखा है प्लस आपको ए बी कितना दे रखा है, ए बी तो निकालना है हमें तो ए बी का स्क्वायर ये तो हमें निकालना है 100 यानी कि 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर 100, ये कितना हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस ए बी का स्क्वायर ठीक है। ये 36 है, इधर किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा क्योंकि अभी क्या का है ये प्लस का है, तो 100 माइनस 36 बराबर ए बी का स्क्वायर ठीक है। 100 में 36 जाके हमारे कितने बचते हैं 64 बच जाएंगे और ये क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। मान किसका निकालना है हमें, ए बी का निकला किसका है, ए बी का स्क्वायर का, तो वही हमें रूट लगाना पड़ेगा। जब रूट हटाओगे तो ये स्क्वायर से रूट को खा जाएगा और बाहर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया ना कैसे आएगा, तो 8 आपका जो है आंसर यहाँ पर आ जाएगा 8 ठीक है। कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में तो मुझे लास्ट में कमेंट कर सकते हो। चलिए तो अब की बार क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, एसी आपको दे रखा है 15 और बीसी आपको दे रखा है 9। वैल्यू पुट कर दीजिए, एसी का मान कितना दे रखा है आपको 15 का स्क्वायर बराबर बीसी कितना दे रखा है आपको बीसी ये दे रखा है आपको 9 का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर है ना। आप सोल्व कर लीजिए, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है ना, बराबर 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है ना प्लस एबी का स्क्वायर है ना, 81 इधर आ जाएगा तो 225 माइनस 81 बराबर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। अब ये कितना बचेगा आपका 5 में 4 जाके 1 और भैया 22 में से 8 जाकर 14 है ना, तो 144 ए बी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर आपका कितना आ चुका है यहाँ पर 144, ध्यान देना यहाँ तक तो समझ में आ चुका है ना भाई। 15 का स्क्वायर कितना था 225, 9 का स्क्वायर कितना था आपका 81, ए बी का स्क्वायर आपका ये चुका तो हो गया 81 को मैं इधर ले आया क्योंकि मुझे किसका मान चाहिए, ए बी का मान चाहिए मुझे, तो 81 इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का, इधर किसका किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब 225 में से 81 जाकर कितने बचेंगे आपका 144 ठीक है, 144 जब बच चुके हैं तो ये मान किसका निकला है ए बी का स्क्वायर का, लेकिन हमें खाली किसका चाहिए, हमें खाली ए बी का चाहिए, लेकिन ये किसका निकल रहा है स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर भी तो आ रहा ही है, तो इसको हटाने के लिए क्या काम करेंगे, इधर भी अंडर रूट लगाएंगे और इधर भी अंडर रूट लगा देंगे ठीक है।
ये किसका रूट होता है 144? आप लोग बोलोगे 12 का, तो डायरेक्ट भी आप आंसर ऐसा लिख सकते हो 12, ठीक है। ऐसे भी आप लोग डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, अन्यथा आप लोग क्या काम कर सकते हो, यहाँ पर ये स्क्वायर इसको खा जाएगा और अंदर क्या लिख सकते हो आप 12, क्या होता है 12 × 12 लिख सकते हो। लेकिन आपको जो है लगभग लगभग 20 तक जो है स्क्वायर याद करने पड़ेंगे, तभी आपको जो है चल पाएगा। तो 144 किसका होता है, 12 का स्क्वायर होता है, तो 12 ही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर, क्योंकि भाई 12 × 12 कितना होता है, कभी इसमें भी कन्फ्यूज़ हो रहे हो, 144 नहीं होता क्या, ठीक है। या फिर मैं लिख सकता हूँ 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। अगर मैंने इधर अंडर रूट लगा दूंगा तो ये स्क्वायर क्या कर देगा, सो खा जाएगा, तो बाहर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इस चलिए इतना क्लियर हो चुका है ना आपके, कोई भी डाउट हो तो मुझे लास्ट में कमेंट करना।